हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, जो मैं मतलब मन में सोच रही थी ना, वो पूरा हो गया। मेरा सपना मान लीजिए या मेरे मन की बात आवाज़ मान लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरे कान्हा जी हैं जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए हैं। जैसे मैंने किसी और को दिए थे ना, ऐसे ही मुझे भी दिए हैं। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने मुझे पूरे इसी तरह से ही सजा के कान्हा जी गिफ्ट किए हैं। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज छठी है, तो आज मैं कान्हा जी को इस तरह से दूध से नहलाऊंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे आप दूध करिए और इस तरह से इनको मलमल के नहलाना है। जैसा उन्होंने मुझे बताया, मैंने ऐसा ही किया था। तो मुझे पहले पता नहीं था कि किस तरह से करते हैं। तो आप इनको ना दूध में डिप करके भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ही कान्हा जी को नहलाइए ऊपर, फिर उनको पानी से नहला दीजिए और इस तरह से इनको ऐसे टॉवल वगैरह में लेके इनको, और फिर इनको कपड़े पहनाइए इस तरह से। फ्रेंड देखिए, ये जो कपड़े होते हैं ना, येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, तो आप इनको ना दो तरीके से पहना सकते हैं। या तो आप आगे से पीछे की तरफ पहना दीजिए, लेकिन ना मुझे जो अच्छे लगे वो मुझे पीछे से आगे की तरफ जो लुक आया ना, वो आगे से पीछे की तरफ नहीं आ रहा था। तो देखिए मुझे इस तरह से अच्छे लगे, तो मैंने अपने कान्हा जी को ऐसे ही कपड़े पहनाए। फिर मैंने इनको जो भी इनका इनका श्रृंगार था, मैंने वो किया। तो जैसे इनको मैंने गले में इनको माला पहनाई, और जैसे फिर इनके मैंने केश बाल जो थे वो लगाए, उस पर मुकुट लगा दिया, और इस तरह से इनके हाथ में जो कडूली होती ना वो लगाई, और कानों में मैंने इनके बाली लगा दी थी, और ये इनकी बांसुरी, और ये मेरा ये जो सिंहासन था ये भी उन्होंने दिया था मुझे। तो मैंने इस पे उनको बैठा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो और उसके बाद मैंने इन पे चंदन का टीका लगाया इनको, और इस तरह से मैंने, और इसके बाद ना हम जो इस पे ना कढ़ी चावल बनाते हैं छठी पे, तो कढ़ी चावल बनाए और इस तरह से मैंने इनको भोग लगाया। तो फ्रेंड्स आप बताना कि मैंने सही सब सीख किया ना, तो आप किस तरह से करते हैं आप मुझे बताना। और ये जो साड़ी रखी ना, ये मेरी सासू माँ ने ना इनको गोद, जैसे बच्चे की छठी पूजते हैं ना, सेम उसी तरह से इन्होंने भी पूजी। तो मैंने उनको ये साड़ी दी थी। तो इस तरह से देते हैं जो घर में बड़े होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ कान्हा जी आए थे। तो जैसे बच्चा आता है ना नया, शुरू में जो बच्चे की छठी, बिल्कुल वही तरीके से मैंने छठी बनाई। तो आप बताइए किस तरह से मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो नमस्कार।